तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर पॉलीनोमियल से। लिखा हुआ विजिबल है सबको, पॉलीनोमियल लिखा हुआ है ना। अब अपन पहले बेसिकली समझ लेते हैं पॉलीनोमियल होता क्या है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीनोमियल्स को, उसके पहले भी थोड़ा अपना समर सीजन है, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या सीखा था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अपन थोड़ा और डीप में इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉलीनोमियल्स जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है मियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, मोर देन वन। पॉली का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन, एक से ज्यादा, सिंपल वर्डों में बोलना चाहते हो मेनी। और मियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स, कैसी टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 2x हो गया, x हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो पॉलीनोमियल्स अपना हमें क्या बता रहा है कि एक से ज्यादा टर्म होगी और कैसी टर्म्स होगी, अलजेब्रिक टर्म होगी, है ना। अच्छा पॉलीनोमियल्स होने के लिए कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है, कि इन टर्म्स के बीच में क्या हो, या तो प्लस का साइन हो या कौन सा साइन हो, माइनस का साइन। फॉर एग्जाम्पल देखो 2x प्लस 3 ये पॉलीनोमियल है या नहीं, है ना, है। क्या मैं पॉलीनोमियल, देखो यहां पर मोर देन वन टर्म, क्यों मोर देन वन टर्म है, देखो 2x एक अलग टर्म है, ठीक है, 3 एक अलग टर्म है, और दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, है ना। तो जहां भी एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टर्म्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल्स। अच्छा क्या ये पॉलीनोमियल्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा कितनी कितनी टर्म्स है, वेरी गुड, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 3। देखो एक्स स्क्वायर एक टर्म है, एक्स एक और टर्म है, और वन एक अलग से टर्म है। तो पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब मीनिंग और मियल्स मतलब क्या है, टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स है और उन टर्म्स के बीच में कौन सा साइन होगा, प्लस या माइनस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहां पर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड का साइन क्यों नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मैंने पूछा आपसे 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, क्या ये पॉलीनोमियल है, सोच के बताओ क्यों नहीं है। सुनो क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x स्क्वायर है और नीचे x है, मतलब आंसर में क्या आएगा हमारा, x आएगा, x की पावर में 2 माइनस 1 हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, x आएगा। यहां पे बहुत सारे टर्म है कि सिर्फ एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, तो यहां पर एक सिंगल टर्म है इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 2 3 6, x इंटू x, x की पावर 2, वापस से एक सिंगल टर्म होगी, ठीक है। तो क्या ये पॉलीनोमियल कहलाएगा, तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, ये भी पॉलीनोमियल नहीं है। इतना समझ गए सर, है ना। अब देखो पॉलीनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस को हम समझते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ा, और पॉली को क्या समझ में आया, मेनी और मियल्स वर्ड क्या बता रहा था हमको, टर्म्स, कि पॉलीनोमियल्स का मतलब होगा बहुत सारी अलजेब्रिक टर्म्स होगी जिनके बीच में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा।
दूसरी कंडीशन क्या होगी पॉलिनोमियल के अंदर कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो पावर्स होगी या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल 2x² + x + 1 तो यहां पर पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और यहां पर 1 लिखा हुआ तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 0। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 × 1 ये क्या लिखा हुआ 1 × 1 मतलब 1 ही आया। तो यहां पर पावर कैसे फॉर्म में लिखी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में। एक एग्जांपल और देखो, x^5, x^4, x^3, 2x² + 1। अब बताओ यहां पे पावर कैसी लिखी हुई है, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखी हुई है। अच्छा कितनी टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, काउंट करके बताओ 1, 2, 3, 4, 5। इस पॉलिनोमियल में 5 टर्म्स है, पावर कौन से ऑर्डर में लिखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इसके साथ साथ क्या होगा कि पावर में हमेशा कौन से इंटीजर होंगे, हमेशा कैसे इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। देखो 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, x^3/2 + x^1/2 + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में इंटीजर आ रहा है ना, फ्रैक्शन। ये चीज समझ गए सर? तो अभी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, उसकी दो कंडीशन हमने समझी। पहली कंडीशन क्या होगी कि पावर किसके अंदर होगी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। पावर में हमेशा कौन सा नंबर पाया जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर पाया जाएगा। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर आता है या डेसिमल के फॉर्म में आता है या नेगेटिव के फॉर्म में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है सबको इतना, कोई डाउट है इसके अंदर? अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर दो चीजें होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अभी तक तो आपने लिखा हुआ है कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्टर्म। तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल देखते हैं, तो आपने काफी पहले भी देखा होगा लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 5। अब एक चीज बताओ, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो कांस्टेंट का मतलब हमने पहले भी सीखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो टर्म जो कभी चेंज नहीं हुई। तो 2 और 5 क्या है, ऐसी टर्म है जो कभी चेंज नहीं हुई। 2 अपने इंदौर में भी 2 रहेगा, ठीक है, और इंदौर से आप कहीं बाहर जाओ, मुंबई जाओगे, बॉम्बे है ना, दिल्ली जाओगे, तो वहां भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। 5 भी इंदौर में 5 है, और आप यूएस चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, वहां भी आपको 5 क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म चेंज होगी क्या, तो कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन के अंदर ऐसी टर्म जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या कहलाएगा इसके अंदर, एक्स वेरिएबल्स मतलब एक्सप्रेशन में ऐसी चीजें जो कि क्या हो, जो चेंज होता रहेगा, वेरी। अब मान लो इंदौर में मैंने एक्स की वैल्यू मान ली 1 है ना, अगर इंदौर में हमने एक्स की वैल्यू क्या मान ली 1, कोई बॉम्बे में है उसने बोला हम एक्स को 1 नहीं मानेंगे, हम एक्स को मानेंगे 2, हो गई वैल्यू चेंज, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वो टर्म्स है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी,
मतलब वैल्यू कैसी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। वेरिएबल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ऐसी टर्म्स है ठीक है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर है सबको, नोट कर दो। आगे स्टार्ट करते हैं इसके आगे। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर हम बात करते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो अपने सामने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4, दिख रहा है सबको। तो इस एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, पहले तो ये बता दो, 3 टर्म। अच्छा, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x। तो डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो बताओ उसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। देखो पावर लिखना है, डिग्री का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को बोले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी हमारे एग्जांपल में। एक एग्जाम्पल देता हूं और आप बताएंगे इसमें क्या होगा, 3x³ + 4x² + 2x + 5। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। नहीं, 3 और 2 नहीं होगी, मैक्सिमम पावर। देखो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की सिर्फ एक ही होगी, तो यहां पे वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर सिर्फ क्या है, 3। दो चार मैक्सिमम थोड़ी होगा, एक सिंगल मैक्सिमम होगा। तो x की पावर मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। चलो लास्ट एग्जांपल देख लो, ax² + bx² + cx³ + dx² + e = 0। बताओ ना, इसकी डिग्री 5 है, इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में कौन, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या क्या है, देखो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट है a, b, c, d और e, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, एक्स। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। अच्छा, तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसके अंदर प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए। साथ में फिर हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी होना चाहिए। साथ ही में पावर के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, कैसे नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव, कैसे नंबर आना चाहिए पावर के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स आना चाहिए, है ना। अच्छा, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 5x² + 3x² + 2। तो यहां पर -5 क्या है, यहां पे -5 क्या है, -5 क्या है,
कांस्टेंट है, बाकी लोग भी आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीनोमियल में, हमने डिग्री सीख लिया है ना, कांस्टेंट पता कर लिया, कोफिशिएंट्स क्या है ना, कोफिशिएंट से भी आपका क्वेश्चन आया, तो कोफिशिएंट्स के लिए हम बात करते हैं। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके लिए, कोएफिशिएंट्स के। तो कोएफिशिएंट्स क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है 3x² + 5x + 2 = 0। ठीक है, ये पॉलीनोमियल है। अगर आप सभी कोई पूछता है इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3। पावर्स क्या क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है पॉलीनोमियल की, 2 है। अब अगर आप, हाँ अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का इस पॉलीनोमियल में कोफिशियंट क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट क्या लिखा हुआ है 3, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या बनेगा 3। एक्स के आगे एक्स का कोफिशिएंट मैंने आपसे पूछा, तो एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, -5x4 + 2x3 - x + 1 = 0। चलो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, वेरी गुड -5। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस का बन गया, प्लस का या माइनस का, माइनस का। अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक सेकंड इधर ध्यान दो, देखो यहां पर इस पॉलीनोमियल में कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा, तो इस पॉलीनोमियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं -5x^4 + 2x³, ठीक है, +0 × x² - x + 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो 0। समझ गए सर ना? अब देखो पॉलीनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स और मैक्सिमम पावर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा जाए कि कौन से पॉलीनोमियल को हम क्या बोलेंगे, तो उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, अगर एक सिंगल टर्म प्रेजेंट है 2x, तो क्या ये पॉलीनोमियल कहलाएगी, पहले तो ये बताओ, नहीं कहलाएगी, क्योंकि पॉली मतलब मेनी होता है और मियल्स मतलब टर्म, पर यहां तक तो एक ही टर्म, तो इसको हम पॉलीनोमियल से ही बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनो मतलब सिंगल, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x + 5, क्या ये पॉलीनोमियल कहलाएगा, कितनी टर्म में आगे 1 और 2। देखो आप घर में बाइसिकल चलाते हो है ना, बाइसिकल चलाते हो तो बाइसिकल के अंदर कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं, तो बाई वर्ग का मतलब 2 होता है, तो हम इसको लिखेंगे बाइनोमियल्स। यहां पे बाई का मतलब क्या है, 2, ठीक। अच्छा ऐसा पॉलीनोमियल आ गया 2x² + 5x + 4,
इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। अच्छा, इसी पॉलीनोमियल का एक और स्पेशल नेम होता है जिससे हम इसको काफी कॉमनली जानते हैं और वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। तो अभी आपके सिलेबस में अच्छा बाइनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। किसी इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में, वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है ना, एक्स के अलावा वाई नहीं दिख रहा है ना, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे पॉलीनोमियल्स के। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम जीरोस निकालने वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी के लिए हम एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। आज अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जो हमने चीजें कर रखी थी। तो एक्सरसाइज 2.1 जो हो गई है हम उसको बस थोड़ा सा ब्रशिंग करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का, आपको बताना है कि दी हुई टर्म्स पॉलीनोमियल्स है या नहीं। ठीक, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कौन डिक्टेट करेगा, पहला क्वेश्चन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये चीज पॉलीनोमियल है या नहीं, गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल और नॉट, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करके लिख लीजिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं y की पावर 2 प्लस 0 इंटू y प्लस रूट 2। अब देखो क्या ये पॉलीनोमियल है, तो ये चीज पता लगाने के लिए हमने जो पॉलीनोमियल पढ़ा उसके बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा अल्जेब्रिक टर्म्स है, ठीक, और उनके बीच में क्या है, प्लस का साइन। दूसरी चीज यहाँ पर जो पावर लिखी हुई है इंटीजर के फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वाई की पावर 2, वाई की पावर 1, और क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ वाई की पावर 0, जिसका मतलब होता है तो उसको नहीं भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है वो क्या है आपका, पॉलीनोमियल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, टी की पावर 1 प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉलीनोमियल हुआ? बिल्कुल होगा। अच्छा, ऊपर वाले पॉलीनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या हो जाएगी, 2। अच्छा, कौन सा पॉलीनोमियल है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है, कौन सा? नहीं, देखो क्वाड्रेटिक है, सही से देखो तीन टर्म है, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल्स है और क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपको उसके पहले की क्लास में क्या बताया गया था, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 2। तो ये कैसा पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक। इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, अच्छा, ट्राइनोमियल्स की जगह कई बार हम उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहा है इस तरह से, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पॉलीनोमियल है, गिवन एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है।
बताओ एक अच्छा सा क्वेश्चन बुक में से आपको एक्सरसाइज का। 5/2 एक्स स्क्वायर, ओके, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। अच्छा इसके अंदर एक्स के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको जीरो भी लिख सकते हैं, प्लस करके हम नहीं भी लिखोगे क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ ये कौन सा पॉलीनोमियल है, इतनी टर्म है इसके अंदर 2। मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर नहीं बोलेंगे। देखो लीनियर मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीनोमियल एक्स प्लस बी जिसके अंदर दो टर्म हो और डिग्री कितनी हो, 1 पॉलीनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल, ठीक। और मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें चार टर्म हो और मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो मैक्सिमम पावर 3 वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक, 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक और 1 वाले को हम बोलते हैं लीनियर। तो ये कौन सा पॉलीनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ, पाई बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो सबको समझ में आ गया, आज के होमवर्क में आप लोग एक्सरसाइज 2.1 वापस से रिवाइज कर लिए और अगली क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज से मिलेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।